दिल्ली एनसीआर में बीती रात से बूंदाबांदी, कई जगहों पर हल्की बारिश, बारिश के कारण तापमान में गिरावट। नोएडा और गाजियाबाद में भी कई जगहों पर बारिश, आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 48 घंटे में बारिश की जताई संभावना, कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में हो सकती है बारिश, अभी ठंड से लोगों को राहत नहीं। हिमाचल के मनाली में मौसम की तीसरी बर्फबारी, बाहर से घूमने आए सैलानियों के चेहरे पर खुशी, लेकिन स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किलें। काले धन के मोर्चे पर भारत को बड़ी कामयाबी, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड ने जांच में सहयोग का दिलाया भरोसा। दावोस में वित्त मंत्री अरुण जेटली की स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्री से मुलाकात, बैठक के बाद जेटली ने कहा स्विट्जरलैंड से मिला सहयोग का वादा। पीटीआई के हवाले से खबर, स्विट्जरलैंड उन खाताधारकों की जानकारी देने पर भी तैयार जिनके खिलाफ भारत में जांच में पुख्ता सबूत मिले। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीनिवासन के किस्मत का फैसला, आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। पिछले साल 17 दिसंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था अपना आदेश, आज सबकी नजरें अदालत के फैसले पर टिकी। आज से देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के पानीपत से करेंगे योजना का शुभारंभ। देश के 100 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की होगी शुरुआत, हरियाणा के 12 जिले भी शामिल। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी समारोह में रहेंगी मौजूद, गुजरात और राजस्थान की सीएम भी पहुंचेंगी। मोदी के कार्यक्रम को लेकर हरियाणा सरकार ने की जमकर तैयारी, रैली के लिए बनाए गए 3 मंच। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पानीपत किले में तब्दील, रैली के लिए 4,000 जवानों की तैनाती। दिल्ली के चुनाव में भी मोदी लहर लाने की तैयारी, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की हो सकती है 5 रैलियां। सूत्रों के मुताबिक 28 जनवरी से 5 फरवरी तक 5 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं मोदी। आज दिल्ली में बीजेपी प्रचार समिति की बैठक, मोदी और किरण बेदी के प्रचार को लेकर बनेगी रणनीति। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी रैली करने के संकेत, सूत्रों के मुताबिक जैतपुर में होगी सोनिया की पहली रैली। पर्चा दाखिल करने से पहले लाला लाजपत राय को बीजेपी की भगवा पट्टी पहनाने पर विवादों में फंसी किरण बेदी, केजरीवाल ने जताई आपत्ति। नामांकन में भरी गई डिटेल के मुताबिक केजरीवाल की संपत्ति 2 लाख घटी, कुल अचल संपत्ति 2,12,00,000 की। केजरीवाल के खिलाफ अब हैं 10 मुकदमे, पिछली बार के मुकाबले 2 मामले और बढ़े। बीजेपी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार किरण बेदी की कुल संपत्ति 11 करोड़ से ज्यादा, बैंक में करीब 2 करोड़ रुपए। किरण बेदी भी कार के मामले में सादगी पसंद, उनके नाम मारुति 800 कार। दिल्ली दंगल के लिए उम्मीदवारों का नामांकन खत्म, आखिरी दिन 923 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और अजय माकन समेत कई दिग्गज शामिल। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से भरा पर्चा, जामनगर हाउस में दाखिल किया नामांकन। नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। लड़ाई जो है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किरण बेदी की चुनावी सफलता पर अरविंद केजरीवाल ने कहा 10 फरवरी को सब कुछ साफ हो जाएगा। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद बोली किरण बेदी फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिला, गोल्ड मेडल के साथ पहला इम्तिहान पास। मन में ख्याल है कि पहला पड़ाव फर्स्ट क्लास फर्स्ट, हमें रिटर्निंग ऑफिसर ने गोल्ड मेडल दिया है। किरण बेदी ने नॉमिनेशन से पहले निकाला रोड शो, किरण के रोड शो में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और बीजेपी सांसद महेश गिरी भी मौजूद। 20 साल से जो लोग मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, उतना ही प्रेम आज उन्होंने दिया, देखा नहीं आपने।
दिल्ली कांग्रेस चुनाव समिति के प्रभारी अजय माकन का सदर सीट से नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले शास्त्री नगर में उमड़ा जश्न। नामांकन भरने के फौरन बाद किरण बेदी का संघ के प्रति समर्पण, कहा बेहद राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस जिसने बनाए रखी भारत की एकता। किरण बेदी के समर्थन में बीजेपी दफ्तर पहुंचे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता, पोस्टर में बेदी को दिखाया लक्ष्मीबाई और केजरीवाल को बनाया अंग्रेज। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर किरण बेदी को दी बहस की चुनौती, कहा व्यस्त कार्यक्रम में से 2 घंटे निकालें। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, जनता मुद्दों पर किरण जी की राय जानना चाहती है, वो बहस से क्यों भाग रही हैं। नोट के बदले वोट वाले बयान पर आज केजरीवाल को आयोग के नोटिस का देना होगा जवाब, कांग्रेस और बीजेपी ने की थी शिकायत। बिहार में जीतन राम मांझी की कुर्सी को खतरा, राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्याम रजक के घर जुटे मांझी के विरोधी। पटना में श्याम रजक के घर हुई डिनर पार्टी में 17 मंत्री शामिल हुए, सूत्रों के मुताबिक श्याम रजक को सीएम बनाने के लिए मांझी विरोधियों की लॉबिंग। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता कृपा शंकर सिंह और उनके बेटे की बड़ी मुसीबत, पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोनों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी का पीएम मोदी की तारीफ करने से इनकार, कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं कभी ये निर्णय तो ले सकता हूं कि मैं दलगत राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ और करूंगा, इस तरह की बात मैं समझता हूं, सोचना मेरे लिए अकल्पनीय। लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए 3D भाषण तकनीक पर 60 करोड़ रुपए का खर्चा, मोदी ने किया था 700 3D रैलियों का संबोधित। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बराक ओबामा की पत्नी मिशेल को मोदी देंगे शानदार तोहफा, भेंट में मिलेगी 100 बनारसी साड़ी और शॉल। ओबामा परिवार के भारत आने पर लगी मुहर, पत्नी मिशेल के साथ उनकी दोनों बेटियां भी साथ होंगी। अमेरिकी मेहमानों के लिए तैयार हो रहा है गुड़गांव, ओबामा के अधिकारी शहर के 2 5-सितारा होटल में ठहरेंगे। 130 अमेरिकी अधिकारियों के लिए मेजबानी की पूरी तैयारी, हरियाणा पुलिस के कमांडो सहित 100 से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात। अन्ना हजारे ने अकेले दम पर लोकपाल की लड़ाई लड़ने की खाई कसम, कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं। अकेला चलो रे, बड़े बड़े साथी तो कोई नहीं है। वो ना हो, मैं देश के लिए समर्पित किया है, मैं चलते रहना, कोई आ जाए ना आ जाए। अन्ना ने कहा किरण बेदी और केजरीवाल पर नहीं बोलना चाहता, आंदोलन के लिए अकेला ही काफी हूं। मशहूर गायिका आशा भोसले ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा मोदी सरकार के कामकाज से बेहद प्रभावित। इस देश को ठीक करने के लिए, हमारे भयानक देश को ठीक करने के लिए उनको 10 साल भी बिचारों को कम पड़ेंगे, लेकिन इतना जल्दी वो ठीक कर रहे हैं कि मैं मोदी जी को 3 बार सलाम 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 करता हूं। दिल्ली में सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी, विकासपुरी के सीआरपीएफ लाइन में घर में मिला शव। बीती रात 1 बजे बाथरूम में मिला महिला कांस्टेबल का शव, 24 साल की लक्ष्मी राजस्थान के चुरू की रहने वाली थी। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मी का पति भी सीआरपीएफ है, पुलिस फिलहाल पूरे मामले की कर रही है जांच। मुंबई के अंधेरी में लिफ्ट में छेड़खानी के बाद नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। नाबालिग के साथ लिफ्ट में 3 लड़कों ने की थी छेड़खानी, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में बुधवार शाम एक वकील की हत्या के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। वकील निखिलेंद्र गुप्ता को उनके घर के पास बम से हमला, अस्पताल पहुंचते ही तोड़ा दम। कोलकाता के पॉश इलाके सॉल्ट लेक में 12वीं की एक छात्रा की लाश मिलने से सनसनी, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। एक दिन पहले प्रिंसिपल ने छात्रा की मां को बुलाकर की थी शिकायत, पुलिस को खुदकुशी का शक। पटना के एम्स अस्पताल में एक डॉक्टर पर इलाज के लिए पहुंची युवती से छेड़खानी का आरोप, लड़की ने अस्पताल प्रबंधन से की शिकायत।
मुंबई से सटे ठाणे के कल्याण में नौकरी से निकाले जाने पर नौकर ने लिया बदला, मालिक के 4 साल के बेटे को किया अगवा। पुलिस ने मासूम को गुजरात से कराया रिहा, आरोपी नौकर को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे नोएडा की एक्सपोर्ट कंपनी में सुपरवाइजर और कर्मचारियों के बीच झड़प, पुलिस पर किया पथराव। झारखंड के गुमला में 2 कुख्यात नक्सली, पुलिस की गिरफ्त में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। झारखंड के धनबाद में चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ से निकाला। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक बैंक से 56 लाख कैश ले उड़े चोर, ग्रिल काटकर बैंक में हुए थे दाखिल। गुजरात के छोटाउदेपुर में 50 फीट गहरे कुएं में गिरा तेंदुआ, बाहर निकालने के लिए पूरे दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी में डूबने से बचाने के लिए कुएं में रस्सी से डाली गई खाट, पानी से बचकर तेंदुआ खाट पर बैठ गया। मध्य प्रदेश में अंधविश्वास के चलते 4 साल की बच्ची पर जुल्म, रोजाना 2 फीट गहरे गड्ढे में छोड़ देते थे मां बाप। किसी बीमारी की वजह से नहीं चल पा रही थी बच्ची, गांव के लोग सालों से अपनाते हैं यह खतरनाक नुस्खा। मशहूर कार्टूनिस्ट स्टार के लक्ष्मण की सेहत में सुधार, परिवार वालों को उम्मीद, जल्दी मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म दीवार के 40 साल पूरे, बिग बी ने ट्वीट कर शानदार पटकथा के लिए सलीम जावेद को दी बधाई। टर्की में पहाड़ों में फंसे 2 डच और 1 ब्रिटिश नागरिक की वहां की सेना ने बचाई जान, 8 रातों से पहाड़ी में फंसे थे। अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनीतिक संवाद की शुरुआत, लेकिन अप्रवासियों को लेकर दोनों ओर से गतिरोध।